हमें यह मनुष्य शरीर गधों, शूकरों तथा कुत्तों के समान कठोर श्रम करने के लिए नहीं मिला है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोशिशें अपने भौतिक जो है इंद्र तृप्ति के लिए या भौतिक स्तर को स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए नहीं मिला है ये मनुष्य जीवन, अपितु तो मनुष्य जीवन को की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त मिला है। क्या सर्वोच्च सिद्धि है? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। तो यदि हम आत्म साक्षात्कार की परवाह नहीं करते तो भी प्रकृति के नियम हमें अत्यंत कठोर श्रम करने के लिए बाध्य करते हैं। प्रकृति के नियम जो है उनके द्वारा जीव बाध्य हो जाता है कठोर श्रम करने के लिए, भले ही हम ऐसा ना करना चाहें। यदि मनुष्य अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहता है तो उसे असूर्य लोक में भेज दिया जाता है, जहां उसे निम्न योनियों में जन्म लेकर अज्ञान तथा अंधकार में कठिन श्रम करने के लिए बाध्य किया जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि हम ईशावास्य सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं तो उसे असूर्य लोक यानी जहाँ पर अंध तामस्र लोक होते हैं, अंधेरा होता है, उधर जाने के लिए बाध्य कर दिया जाता है और निम्न योनियों में जन्म लेने अज्ञानता के अंधकार में कठिन श्रम करने के लिए बाध्य किया जाता है। निम्न योनियां, अज्ञानता, अंधकार इसमें बाध्य करना पड़ कर दिया जाता है। तो इसलिए अब सीरियस हो जाना चाहिए, है ना।